का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। रविशा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सभी जानते हैं कि इस समय एक कोरोना वायरस महामारी बीमारी का एक प्रकोप काफ़ी छाया हुआ है और लोग खौफजुदा और दहशत में देखे जा रहे हैं, खौफजुदा हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में बाहर से कमा कर लौटे दो लोग, एक औरत और एक पुरुष, जिसको कोरोना वायरस से ग्रसित होने की आम लोगों में एक चर्चा स्थानीय विकास खंड रेवसा कस्बा में गूंज रही थी आम लोगों की, और लोगों में एक हड़कंप सा पूरे कस्बे में देखा गया गुपचुप तरीके से। और यहाँ तक कि चर्चाएं हो रही थी कि लोग कमाकर जब लौटे हैं तो लोग उसके घर वाले और पास पड़ोसी बता नहीं रहे हैं और उसको घर में छुपा कर रखे हुए हैं, लेकिन आखिरकार वो एक आम लोगों की जुबानी चर्चा बनी और वहीं संदिग्ध के आधार पर स्वास्थ्य टीम रेवसा सीएचसी की उन दोनों लोगों के घर के दरवाजे पहुंची और दोनों का कोरोना जैसी महामारी बीमारी के लक्षणों के बारे में पूरी तरीके से जांच की, पूछताछ की, लेकिन वैसी कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए दोनों में। और फिर भी वहीं पर दोनों को 14 दिन के लिए पूरी तरीके से अंडरग्राउंड अपने घर में रहने के लिए कहा गया है और किसी से जागरूक किया कि किसी से संपर्क ना करें और ना तो भीड़ भाड़ में जाएं, सिर्फ घर पर रहें। वहीं पर डॉक्टर असद खालिद से बात करने पर इस बाबत में बताया कि हाँ, संदिग्ध अवस्था के आधार पर सूचना मिली थी जहाँ पे टीम पहुँची थी और दोनों लोगों की, एक भतमरा की आशा अशोका देवी और दूसरे स्थानीय कस्बा रेवसा के नई बस्ती रज्जब अली पुत्र इसहाक मोहम्मद, जो कि ये दोनों अशोका देवी कहीं काफ़ी दूर अपने नज़दीकी रिश्तेदार के वहाँ से वापस आई थी, जो कि एक लंबे समय से काफ़ी पहले से बीमार थी, डॉक्टर असद खालिद के द्वारा बताया गया। वहीं पर रज्जब अली ये कहीं बाहर से कमा कर लौटे थे, ये स्थानीय कस्बा रेवसा के नई बस्ती निवासी हैं। दोनों का संदिग्ध के आधार पर जाँच की गई, लेकिन ऐसी कोई बीमारी जो इस समय वायरस चल रहे हैं जिनका चर्चा है उससे संबंधित कोई भी बीमारी नहीं मिली। फिर भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है सख्त, और किसी के संपर्क में न जाएं, घर पर रहें, ऐसी बात कही गई। ये वही तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ये दोनों लोगों के घरों के दरवाजे पर टीम स्वास्थ्य विभाग की पहुँची हुई है स्थानीय कस्बा डॉक्टर असद खालिद की अगुवाई में।